प्राणेश्वर अक्षरातीत ने परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए एक बहुत ऊंची बात कही है। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई। सत्य का व्यापारी क्या होता है? आप देखिए, व्यापारी पूंजी लगाता है और उससे लाभ कमाता है। व्यापार का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, घाटे के लिए कोई भी व्यापार नहीं करता। सत्य का व्यापारी वह है जो सत्य के सूर्य को पा जाता है। संसार झूठ का व्यापार करता है। जो परम धाम की आत्मा होती है वो हमेशा सत्य का व्यापार करती है। सत्य का व्यापार ज्ञान से होता है, उसमें ज्ञान की पूंजी लगाई जाती है। परमात्मा को पाने के लिए साधना रूपी पुरुषार्थ लगाया जाता है। वैराग्य का विवेक होता है, परिणाम क्या होता है? मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है, वही लाभ होता है। जो इस संसार के प्राणी हैं वे धन का व्यापार करते हैं। धन से क्या होता है? लौकिक सुख संपदा प्राप्त होती है, ऐश्वर्य जो प्राप्त होता है उससे हम अच्छे अच्छे वाहन खरीद सकते हैं, अच्छे अच्छे भवनों का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे वस्त्र आभूषण पहन सकते हैं, अच्छे भोजन कर सकते हैं, बस ये मिलता है। एक परम धाम की आत्मा है चिंतामणि, उसकी आत्मा को जगाने के लिए प्राण नाचे जाते हैं। और उसको प्रबोधित करते हैं यह कीर्तन सुनाकर कि सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूं समझाई। आंटी आन के फांस लगाई, सो भी उल्टी दही उल्टाई। आंटी किसको कहते हैं? तृष्णा की गांठ को। हर प्राणी के अंदर एक तृष्णा फंसी हुई है, वह तृष्णा जो उसको 84 लाख योनियों में भटकाती रहती है। तृष्णा किस क्या है? सांसारिक सुख की वासना ही तृष्णा कहलाती है। अब देखिए, हर प्राणी में तृष्णा है, सुख की वासना। मनुष्य कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी विद्वान हो जाए, घर छोड़कर तपस्या भी करने लगता है, फिर भी उसमें कुछ न कुछ तृष्णा रहती है। गृहस्थी को 3 तरह की तृष्णा सताती है और विरक्त को भी 3 तरह की तृष्णा सताती है, लेकिन तृष्णाएँ दोनों में होती है। गृहस्थी को क्या चाहिए? धन चाहिए। इसको मोटी भाषा में जर जोरू और जमीन कहते हैं। दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ होती हैं किसके लिए होती हैं? धन के लिए, स्त्री के लिए और जमीन के लिए। बड़े बड़े विश्व युद्ध होते हैं। महाभारत का युद्ध किसके लिए हुआ? केवल जमीन के लिए हुआ। दुर्योधन को श्री कृष्ण समझाते हैं कि देखो दुर्योधन, तुमने छल से पांडवों का धन लिया है, केवल 5 गांव दे दो, वे 5 गांव में ही संतोष कर लेंगे, सारा राज्य तुम्हारा है। दुर्योधन क्या कहता है कि सूच्यग्रम नय दस्याम बिना युद्धेन किसो, बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा। आप सोचिए उसका परिणाम क्या हुआ। महाभारत का युद्ध हुआ और जिसमें 47 लाख से अधिक लोग मारे जाते हैं, उसकी एक तृष्णा के पीछे इतना विध्वंस हुआ कि उस विध्वंस की काली घटा आज भी भारत को घेरे हुए है। यदि दुर्योधन पांडवों का राज्य दे देता, उसके अंदर तृष्णा नहीं होती कि सारे राज्य का मैं मालिक बनूं। आज सारे संसार में क्या हो रहा है? अभी आप देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, कम से कम कई लाख लोग मारे जा चुके हैं, विध्वंस अभी हो रहा है, पता नहीं ये आग कहाँ भड़केगी। संसार में जो भी युद्ध होते हैं धरती के लिए होते हैं, स्त्री के लिए होते हैं और सांसारिक स्वार्थों के लिए होते हैं। सन्यासी भी इससे अलग नहीं है, उनके अंदर भी लोकेष्णा होती है। लोकेष्णा का अर्थ क्या होता है? धन की इच्छा। आपने कुंभ के मेले में देखा होगा
जो बड़े बड़े मठाधीश लोग अपने अपने पंथ के चलते हैं तो उनके साथ सेना चलती है, उनके ध्वजा लेकर उनके रथ चलते हैं, जय जयकारे लगाए जाते हैं और उसमें प्रदर्शनी की जाती है कि हमारे अखाड़े के महाराज जी इतने शक्तिशाली हैं। भाड़े पर भी महात्मा बुला दिए जाते हैं, उनके हाथ में ध्वजा पताकाएँ होती हैं। अरे आपने घर द्वार छोड़ दिया, आपको संसार में अच्छा कहलाने की क्या जरूरत है? पैसे देकर अपने शिष्यों की भीड़ इकट्ठी करने की क्या जरूरत है कि देखो मेरे साथ इतने शिष्य चल रहे हैं, जय जयकारे लगाए जाते हैं? तो लोकेष्टा प्रतिष्ठा की इच्छा न गृहस्थी को छोड़ती है न विरक्त को छोड़ती है। आप किसी को कहिए कि परमात्मा के नाम पर ये कार्य कर दो परोपकार का, तो कोई नहीं करेगा। शादी विवाह में लाखों रुपये करोड़ों रुपये पानी की तरह क्यों फूंकते हैं? ताकि सारे समाज में मेरी इज्जत हो जाए, रिश्तेदारों में मेरी प्रतिष्ठा हो जाए कि देखो हमने इतना बड़ा कार्य किया। चाहे गृहस्थ हो विरक्त हो, दोनों को ये तृष्णा लोकेष्टा खाई जाती है। एक बार डोंगरे जी महाराज कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि प्रणामी मत में सबसे ऊंचा ज्ञान है, लेकिन इस शरीर से मैं उसको कभी इस तन में कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? मैं तो अपने कान्हा से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मुझे भी प्रणामी बना देना, ताकि मैं भी इस अलौकिक ज्ञान को ग्रहण कर सकता हूँ। उनके ज्ञान ग्रहण करने में सबसे बड़ी बाधा क्या थी कि उनके लाखों शिष्य क्या कहेंगे कि जिन डोंगरे जी महाराज जी को हम अपना आदर्श मानते थे वे भी तो किसी और के पास गए। चिंतामणि के साथ भी यही घटना घट रही है। चिंतामणि के 1000 शिष्य हैं, चिंतामणि कबीर पंथ के आचार्य हैं, और वे अपने शिष्यों के मोह जाल में फंसे हुए हैं। एक तरफ श्री जी के मुखारविंद से परमधाम का ज्ञान सुनते हैं तो उनको लगता है कि जो ये कह रहे हैं वही सच है, दूसरी तरफ उनके शिष्य 1000 हैं, वे उनको घेरे हुए हैं कि हमारे लिए आप ही परमात्मा के समान हैं, हम आपके सामने किसी को नहीं मान सकते। अब इस द्वंद्व में चिंतामणि जी झुलस रहे हैं। तो मैंने कहा लोकेष्टा वित्तेष्टा, वित्त कहते हैं धन को, धन की इच्छा प्रतिष्ठा की इच्छा गृहस्थ को भी होती है विरक्त को भी होती है। गृहस्थी अपने परिवार के लोगों से उलझा रहता है, पत्नी से, बच्चों से, संगे संबंधियों से, और विरक्त को भी तृष्णा रहती है कि मेरे शिष्यों की संख्या इतनी बढ़ गई, मेरे शिष्यों में से कोई भाग ना जाए, मुझे छोड़कर चला ना जाए तो मेरी इज्जत चली जाएगी। ये तृष्णा ऐसी है जो पीछा कर रही है मनुष्य जाति का। इसलिए भर्तृहरि ने कहा है कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हम बूढ़े हो जाते हैं, तृष्णा कभी भी बूढ़ी नहीं होती। मैंने कहा कि यह संसार एक कर्मभूमि है और कर्मभूमि में सबको व्यापार करना पड़ता है। कोई सत्य का व्यापार करता है, कोई झूठ का व्यापार करता है। झूठ का जो व्यापार करता है उसे संसार मिलता है केवल, बड़े बड़े महल अट्टालिकाएँ बना लेगा, सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण पहन लेगा, अच्छे वाहनों में सैर करेगा, अच्छा खा पी लेगा, लेकिन एक दिन काल इन सबको ले जाता है। जो सत्य का व्यापारी होता है, अखंड के ज्ञान को ग्रहण करता है, श्रद्धा और समर्पण की भट्टी में स्वयं को जलाता है, विरह की साधना करता है, अपना हृदय अपने प्रियतम को दे देता है, परिणाम क्या होता है? उसको जो लाभ मिलता है कि यहीं बैठे बैठे परम धाम को देखता है, यहीं बैठे बैठे अपने स्वरूप को देखता है और सबके आराध्य उस प्रियतम अक्षरातीत को देखता है। आजकल तो सारे संसार में धार्मिक क्षेत्र में भी क्या है, अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है। रात्रि को मैंने कुल देवी की चर्चा की थी। आप गांव में देखिए जगह जगह कुल देवता की पूजा होती है, ग्राम देवता की पूजा होती है। मैंने रात को बताया था कि देवता किसको कहते हैं, देवता वह है जो केवल देता रहता है। अभी सूरज उगा हुआ है तो देखिए लाइट जलाने की तो जरूरत नहीं, रात्रि के समय क्या करना पड़ता है, हमें बल्ब चाहिए, किसी न किसी रूप से प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन जिस तरह से ये जड़ देवता हमें प्रकाश देते हैं, तो देवता का वास्तविक अर्थ तो समाज नहीं समझता,
उसने गांव का एक अलग देवता बना लिया जिसको क्या कहते हैं, भूमिया देवता। यहाँ गांव के बहनें बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं। गांव का देवता कौन होता है? जो गांव में सबसे अधिक धर्मात्मा हो, किसी को ज्ञान देता हो, गांव के लोगों को सत्य का मार्ग दर्शाता हो, विद्वान हो, महापुरुष हो, उसको गांव का देवता कहते हैं। आप ईंट का चबूतरा बना लेते हैं अपने खेत में और कहते हैं कि हमारे गांव का देवता है, भूमिया देवता है। जब मैं रतनपुरी था, वहाँ वर्षा हुई नहीं, गांव के सब लोगों ने कहा कि कोई भी लोहे की वस्तु पर, काली वस्तु पर भोजन नहीं बनाएगा, नहीं तो भूमिया रूठ जाएगा, वर्षा नहीं होगी। अब सोचिए, अमेरिका में वर्षा कौन कराता है? क्या वहाँ भूमिया देवता है? पाकिस्तान में वर्षा कौन कराता है? क्योंकि मुसलमान तो अल्लाह के सिवा किसी को मानते ही नहीं, तो क्या पाकिस्तान में वर्षा नहीं होती है? वर्षा तो बादलों से होती है, उसमें भूमिया देवता क्या क्या लेना देना। हाँ, वर्षा वाले आप यज्ञ करेंगे, सुगंधित पदार्थ हवन कुंड में डालेंगे, तो वो उसे ऑक्सीजन शुद्ध होती है। जहाँ वृक्ष लगाए जाते हैं वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, जहाँ वर्षा कराने वाले यज्ञ होते हैं, जैसे मल्हार राग कोई गाता है तो पूर्णतया संभावना रहती है कि वर्षा हो जाती है, कि उसमें जो संकल्प होता है हृदय से निकला हुआ वो वर्षा कराता है। ईंट का चबूतरा कभी वर्षा नहीं करा सकता, ये बात ध्यान में रखिए। आपको कोई कुछ मिलेगा तो चेतन से मिलेगा, जड़ से नहीं मिलेगा। हाँ, परमात्मा ने जो जड़ वस्तुएँ बनाई है, हवा है उससे आपको जीवन मिल रहा है, जल है उससे जीवन मिल रहा है, अग्नि है उससे जीवन मिल रहा है, सूर्य है उससे जीवन मिल रहा है, लेकिन आप ईंट का चबूतरा बना देंगे तो पैदा किसने किया? ईंट के चबूतरे से आप देवता बनाते हैं तो उसके पिता तो आप हो गए, आप बड़े हो गए, फिर आप ही उसकी पूजा क्यों करते हैं? इसलिए ग्राम देवता का अर्थ क्या होता है? जो आपके गांव में सच्चा धर्मात्मा व्यक्ति रहता है, जो सबको मार्गदर्शन देता है, वो देवता है, आप उसका सम्मान कीजिए। पत्थरों के चबूतरे को आप 56 भोग कर खिला दोगे तो कुछ नहीं होगा। और मैंने ये बात बताई कि जब मैं रतनपुरी आश्रम में रहता था तो गांव के लोगों ने वहाँ भी भूमिया देवता की पूजा की थी। गांव के सारे पशुओं को ले जाकर भूमिया के पास ले जाते थे कि भूमिया देवता की नज़र पड़ जाएगी तो हमारे पशु ठीक हो जाएंगे। पशु तो बीमार पड़ते हैं वहाँ गंदगी के कारण। इधर के गांव में भी मैंने सुना है, यहाँ भी भूमिया देवता की पूजा होती है, पूरा क्षेत्र भूमिया देवता की पूजा करता है। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, ज्ञान क्या कहता है? एक परमात्मा की आराधना करो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने कहा था कि परमात्मा की भक्ति वैसे ही करनी चाहिए जैसे पतिव्रता साधन होता है। पतिव्रता साधन क्या होता है? जैसे एक घर में पतिव्रता साध्वी रहती है, देवर से भी उसको बहुत स्नेह रहेगा, जेठ का भी सम्मान करेगी, ससुर का भी सम्मान करेगी, लेकिन प्रेम किससे करेगी? केवल पति से करेगी। उसी तरह से संसार में जो भी महापुरुष हैं, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, सबका सम्मान कीजिए, लेकिन भक्ति किसकी कीजिए? जो गीता में बताया है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत की, उसके सिवा कोई अन्य को अन्य आपकी आत्मा का प्रीतम नहीं है। आप, मैंने कहा कि घर में कुल देवी की पूजा करते हैं, कुल देवी कुल देवता और ग्राम देवता जिसको भूमिया कहते हैं। मैंने कहा आपके घर में कुल देवता कौन है? आपके वंश में यदि कोई महान पुरुष पैदा हुआ होता है, ज्ञानी है, तपस्वी है, तो उसको आदर्श मानकर उसके गुणों का अनुसरण कीजिए, वह कुल का देवता है। कुल देवी आपके वंश में कोई ऐसी महिला हो गई जो ज्ञान में, तप में, शिष्टाचार में अद्वितीय है, तो उसको आदर्श मानकर आने वाली पीढ़ियों को बताइए कि देखिए तुम्हारे खानदान में ये इतनी महान विदुषी महिला हो गई है, इसको आदर्श मानिए। आप किसी प्रतिभा को आगे आने देंगे नहीं,
और केवल कुल देवी कुल देवता के नाम पर ईंटों के चबूतरे को आप मिष्ठान खिलाएंगे, 56 भोग खिलाएंगे, इससे आपकी आत्मा को कुछ नहीं मिल रहा है। ये सत्य का व्यापार नहीं है, झूठ का व्यापार है। जैसे आंखों पर पट्टी बांध कर कोई दिन भर पत्थर मारता रहे पेड़ के ऊपर तो कितने फल गिरेंगे, उसी तरह से चाहे जीवन भर कोई कुल देवता की पूजा करे, कुल देवी की पूजा करे, तो जब तक अर्थ नहीं समझेगा तब तक उसको कुछ नहीं मिलना है। जैसे श्राद्ध का समय होता है कुवार के महीने में, तो सब लोग अपने पितरों को श्राद्ध करते हैं। जानते हैं श्राद्ध किसको कहते हैं? श्राद्ध और तर्पण। आपके यहाँ से हरिद्वार बहुत पास है, पूरे देश के लोग आते हैं वहाँ तर्पण कराने के लिए, श्राद्ध करने के लिए। वो सोचते हैं कि पंडे को हम दे देंगे तो हमारे पूर्वजों का श्राद्ध हो जाएगा, तर्पण हो जाएगा। देखिए श्राद्ध किसको कहते हैं? माता पिता अतिथि आचार्य, इनको क्या कहते हैं? पितर। पितर किसको कहते हैं? जिस जो हमारा पालन पोषण करते हैं। माता जन्म देकर बचपन में हमारा पालन करती है, पिता थोड़ा बड़े होने पर पालन पोषण करता है, आचार्य ज्ञान से पालन पोषण करता है, उपदेशक संत महात्मा आते हैं वो ज्ञान से हमारा पालन करते हैं, तो इनको कहते हैं पितर। पितर जीवित पितर होते हैं, मरने के बाद कोई पितर नहीं कहलाता। यहाँ क्या होता है, जब तक माता पिता जीवित होते हैं एक गिलास पानी भी कोई किसी को नहीं देता, जब मर जाते हैं तो जमीन बेच बेच करके सबको खिलाते हैं, पूरे इलाके को खिलाएंगे, कहते हैं कि हम श्राद्ध कर रहे हैं। श्राद्ध इसको नहीं कहते हैं। जब तक माता पिता जीवित हैं श्रद्धा पूर्वक उनको खिलाइए, इस तरह से सेवा कीजिए कि वो तृप्त हो जाएं, इसी को कहते हैं श्राद्ध और तर्पण। हरिद्वार में जाकर के आप जो श्राद्ध करते हैं तो वो आपके पितरों तक नहीं पहुंचेगा। एक बार नानक देव जी गया पहुंचे, वो नदी में स्नान कर रहे थे। वहाँ सब लोग जाते ही हैं गया में श्राद्ध करने के, हम अपने पितरों का श्राद्ध कर देते हैं। उन्होंने नदी में क्या किया कि पानी उठा उठा कर फेंकने लगे। सबने पूछा कि नानक देव जी आप क्या कर रहे हैं? नानक देव जी ने कहा कि देखो यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पर आग लगी हुई है, मैं पानी आग बुझा रहा हूँ पानी फेंक कर। सब हंसने लगे, कहने लगे कि आप तो पानी यहाँ फेंक रहे हैं, 100 किलोमीटर दूर तक ये पानी चला जाएगा। नानक देव जी कहते हैं कि यदि 100 किलोमीटर दूर तक मेरा ये पानी नहीं जा सकता तो तुम पितर लोक में तुम्हारे पितर रहते हैं, यहाँ तुम पंडों को दान कर रहे हो, तो क्या ये जो भोजन करा रहे हो उन तक पहुँच जाएगा? तब लोगों को समझ में आया। और यही बात है, जब तक माता पिता अतिथि आचार्य आपकी सेवा से संतुष्ट हैं, समझिए कि वही जीवित पुरुषों का श्राद्ध है, वही तर्पण है। इसलिए हमें जीवन में क्या करना है, इसके लिए ज्ञान की महत्ता है। ज्ञान के बिना आप कुल देवी की पूजा करते हैं, कुल देवता की पूजा करते हैं, ग्राम देवता की पूजा करते हैं, सब गलत है। ज्ञान से आपने समझ लिया कि कुल की जीवित महिला कुल देवी है, उसका कभी दिल ना दुखाओ। आपके वंश में जो श्रेष्ठ पुरुष है उसका सम्मान करो, उसका दिल न दिखाओ, ये कुल देवता की पूजा है। ग्राम देवता कौन है? जो आपके पूरे गांव में, जैसे इस ठसका गांव में जो सबसे अच्छा आदमी हो उसको आदर्श मानिए, उससे ज्ञान ग्रहण कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, ये ग्राम देवता की पूजा है। इसलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है कि देवताओं का सम्मान करो। देवता वो नहीं जो आपने घरों में बना रखा है, ईंट के चबूतरे को नहीं। मैं एक बार गांव में गया था, रतनपुरी गांव में बैठा था किसी के घर, एक महिला आई, उसने चबूतरा बना रखा था, खूब पूड़ी ला करके वहाँ मेरे सामने रखी। पूड़ी थी, व्यंजन था, दीपक जलाकर बेचारी गई। जैसे ही गई 2 मिनट के बाद एक कुत्ता आया, सारा खा गया। वो तो समझ गई कि हमने देवता को खिलाया है, खाया किसने? चलो कुत्ते के अंदर भी तो चेतना है, भोजन तो मिला। लेकिन होता तब है, जो हृदय में बैठा हुआ है परमात्मा उसको कोई नहीं पहचानता। गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठते अर्जुन। परमात्मा कहाँ है? सभी प्राणियों के हृदय मंदिर में परमात्मा है। उस परमात्मा को हम अपने हृदय मंदिर में नहीं खोजते हैं,
उस परमात्मा को हम जड़ पदार्थों में खोजते हैं। आज घर घर में गीता पढ़ी जाती है, लेकिन कोई हिंदू मानने के लिए तैयार है कि क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षर अतीत है? गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अनन्य चिंतो माम ये जना परि उपासते तेषाम योगक्षेमम नित्यम अहम यम। जो अनन्य भाव से केवल मेरा ही चिंतन करते हैं उनका योगक्षेम मैं सहन स्वयं वहन करता हूँ। अनन्य भाव क्या है, जैसे एक पतिव्रता केवल अपने पति से प्रेम करती है, उसी तरह से जैसे गोपियों ने केवल श्री कृष्ण से प्रेम किया, आप भी अपनी अनन्य निष्ठा उस सच्चिदानंद परमात्मा के प्रति रखिए, उसके प्रति प्रेम कीजिए। इसी को अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। मैंने रात्रि को बताया था कि सावित्री का तेज क्या था, अनुसुईया का तेज क्या था। आज गाँव में देखा जाता है, गाँव ही नहीं पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, एक गोगा जाहर वीर की पूजा का प्रचलन है। देखिए, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था तो एक राजपूत वंश था गोगा जाहर वीर, उन्होंने पूरे परिवार के साथ अकेले थोड़ी सी छोटी सी सेना लेकर महमूद गजनवी की सेना को रोक दिया। उनके परिवार के सभी सदस्य लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। जो उनके घर की महिलाएं थीं उन्होंने जलती हुई चेता में अपने प्राण त्याग दिए। उनकी स्मृति में पूरे उत्तर भारत में उनकी वीरता को याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। उनकी सच्ची पूजा क्या है कि उनके गुणों का हम आदर करें। यह नहीं लिखा है कि एक कोई मिट्टी का चबूतरा बना दें और खीर पकवान रखें, जो कुछ कर्मकांड किए जाते हैं। मैंने कहा, भक्ति किसकी, परमात्मा की, पूजा किसकी, देवता की। देवता की पूजा क्या है, उसके प्रति सम्मान रखना, उसके गुणों का सम्मान करना। जैसे हम राम के चित्र की पूजा करते हैं लेकिन राम के गुणों का सम्मान नहीं करते, हनुमान के गुणों की पूजा नहीं करते, हनुमान के केवल चित्र की पूजा करते हैं। आप हनुमान जी के मंदिर में मिठाई केवल चढ़ाएँ, हनुमान जी के आचरण के विपरीत आप आचरण कर रहे हैं, तो हनुमान जी की पूजा नहीं है। आप शंकर जी को देखिए, शंकर जी के पुजारी क्या करते हैं, भांग पीते हैं, नशा करते हैं, तो ये शंकर जी की पूजा नहीं है। शंकर जी की पूजा क्या है, जैसे शंकर जी पूर्ण रूप से विरक्त हैं उसी तरह से हम भी विरक्त बने। जैसे शंकर जी ने संसार की मोह माया को छोड़कर रात दिन परमात्मा का ध्यान किया है, हम भी करें, ये शंकर जी की सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन ये कब होगा, जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा। वही बात मैं कह रहा हूँ, प्राणनाथ जी चिंतामणि जी को जगाने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि चिंतामणि, तू तो सत्य का व्यापारी है, तुम अपने शिष्यों की इस मोह माया के जाल में क्यों फंसा है। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, आंटी आन के फांस लगाई, सो भी उल्टिए दिए उल्टाई, बंद पर बंद दिए बिद बिद के, सो खुलिया किनो न जाई। आंटी किसको कहते हैं, गांठ को। हर प्राणी के अंदर तृष्णा की गांठ लगी है, चाहे संसार में प्रतिष्ठा लोकेष्णा है, चाहे धन कमाने की इच्छा है, चाहे तारेष्णा मोह है, संगे संबंधियों का, शिष्यों का। यह तृष्णा रूपी पिशाचिनी ऐसी है जो गृहस्थ को भी नहीं छोड़ रही है, और जो घर द्वार छोड़कर आश्रम में बैठा है, गुहा किसी गुफा में बैठा है, हिमालय के अंदर झोपड़ी बनाकर रह रहा है, सबका पीछा कर रही है, छोटी रूप में या बड़े रूप में। तभी कहा कि चिंतामणि, एक डारी तो दूजी भी डारो, जलाए दी वो चुतराई। तुमने गृहस्थी की सांकल को तो छोड़ा है, गृहस्थी क्या है, लोहे की एक सांकल है, मोह नहीं जाता है। देखिए संसार में आदमी बूढ़ा हो जाता है फिर भी परिवार का मोह नहीं छूटता। भर्तृहरि ने कहा है कि चेहरा झुरियों से भर जाता है, बल भी मुख अक्रांतम पलितहंगितम सिरा, सिर के बालों में सफेदी आ जाती है, मनुष्य लाठी लेकर के चलने लगता है लेकिन तृष्णा उसका पीछा करती रहती है। हर प्राणी में तृष्णा है, पशु पक्षी में तृष्णा है, मनुष्य में तृष्णा है, साधु महात्मा में तृष्णा है, यहाँ तक कि देवताओं को भी ये तृष्णा नहीं छोड़ रही है। स्वर्ग में कुछ और सुख है, ऊपर के लोकों में कुछ और सुख है, मनुष्य को सुख को पाने की चाहना तो करनी चाहिए,
लेकिन इसका मोह नहीं रखना चाहिए। तृष्णा का क्षय कैसे होता है? भगवान बुद्ध 7 दिन की समाधि में बैठे रहते हैं, तब उनको पता चलता है कि तृष्णा ही दुखों का कारण है। विदेशों में देखिए, हमारे देश में भी वो प्रवृत्ति पैदा हो गई है, पड़ोसी के घर एक कार है तो हमारे पास 2 कार होनी चाहिए, पड़ोसी के पास 1 कोठी है तो हमारी 4 कोठियाँ बननी चाहिए, यही तो तृष्णा है। सबसे ज़्यादा सुखी जानते हैं कौन होता है? रहीमदास जी ने कहा है, गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष का धन तो किसी किसी के पास आता है। आप देखिए कि कितनी भी गर्मी हो, मनुष्य काम तो करता ही है, कोई व्यवसाय करता है, कोई खेती करता है, किस लिए? क्योंकि उसे धन मिलता है। धन से क्या मिलेगा? संसाधन मिलेंगे। क्या आपने किसी को परमात्मा को पाने के लिए कष्ट झेलते हुए देखा है? एक मजदूर धूप में 500 रुपये लेगा लेकिन पूरे दिन काम करेगा, ठेले पर बेचने वाला पूरे दिन धूप में तपते हुए बेचेगा, लेकिन उसको कहिए कि हम 500 के बदले 1000 देते हैं, 2000 रुपये तुमको देंगे, 8 घंटा एसी कमरे में बैठकर ध्यान करो, क्या वो स्वीकार करेगा? वो कहेगा कि हमारे बस की नहीं है 2-8 घंटा ध्यान करा। उसको कहिए कि 4 घंटा भी कर लो, कहेगा कि नहीं, हमसे बैठा ही नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि तृष्णा है उसके अंदर। वो धूप सहकर, वर्षा सहकर, कष्ट सहकर धन कमाने के लिए 8 घंटे काम कर लेगा, 12 घंटे काम कर लेगा, लेकिन 4 घंटे 6 घंटा उसका 4 गुना भी पैसा दीजिए तो भी परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा। जबकि वो जानता है कि यह जो धन मैं कमा रहा हूँ, यह धन मेरे काम का नहीं है, मैं कमा कर किसको दूंगा? अपने घर वालों को ही तो दूंगा, वे अपने बच्चों को देंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहेगा, धन आएगा। आपने 50 लाख कमाया, घर के किसी सदस्य की एक शादी पड़ी, 50 लाख समाप्त हो गया, लेकिन आपने जो परमात्मा का ज्ञान ग्रहण किया उसको कोई छीन नहीं सकता। आपने वेद शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का, तारतम वाणी का ज्ञान ग्रहण किया, उसको कोई नहीं छीनेगा, न भाई उसमें बंटवारा करेगा, न राजा लेगा, यहाँ तक कि मृत भी उस ज्ञान को आपसे नहीं छीन सकती है। आप मर जाएंगे भी तो क्या होगा? आपके जीव के साथ वो ज्ञान, आपकी भक्ति का बल ऐसा है जो हमेशा आपके साथ रहेगा, उससे सबका कल्याण करे होगा, लेकिन उसको कोई छीनने वाला नहीं है, मृत भी आप किसके साथ नहीं छीन सकती है। एक बार गुरु नानक देव जी एक गांव में पहुंचे, उस गांव का जमींदार बहुत लुटेरा प्रवृत्ति का था, उसने कभी देना सीखा ही नहीं था, केवल लेना ही जानता था। परिणाम क्या हुआ? सबका खून चूस चूस कर उसने धन इकट्ठा कर रखा था। नानक देव जी उसके पास गए, कहे कि भाई देखो, ये मेरे से 1 रुपया ले लो, स्वर्ग में जब चलेंगे तो तुम मुझको वहाँ दे देना। उसने तुरंत ले लिया। रात को जब सोया था तो सोचने लगा कि गुरु नानक देव जी जो मुझे 1 रुपया दे गए हैं, इसको मैं स्वर्ग में कैसे ले चलूँगा? ये तो मेरे साथ जाएगा नहीं, मैं तो मर जाऊँगा तो ये छूट जाएगा। सवेरे भागा भागा आया, गुरु नानक देव जी से कहता है कि गुरुदेव, ये पैसा अपना वापस ले लीजिए जो आपने दिया था। नानक देव जी पूछते हैं कि भाई क्यों, तुमने तो कल कहा था कि मैं स्वर्ग में दे दूंगा, ले लिया था, अब क्यों वापस कर रहे हो? कहता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा तो इस पैसे को लेकर कहां से जाऊंगा? नानक देव जी कहते हैं कि जब तुम मेरा दिया हुआ 1 रुपया नहीं ले जा सकते तो इन गरीबों का खून चूस चूस कर क्यों इकट्ठा करते हो? तब उसको समझ आई और उसने दूसरों का धन लूटना बंद कर दिया। आप सोचिए, हमारे पास भी यदि विवेक हो तो हम क्या करेंगे? वाणी क्या कहती है? बंद पर बंद दिए बिध बिध के, सो खोलिया किन्हों न जावे। एक बंद नहीं है, तृष्णा का बंद है। हमें सुख चाहिए, जब वो मिलता है तो हमारे साथ परिवार जुड़ता है, समाज जुड़ता है, और इसके चिंतन में हमारा जीवन चला जाता है। प्रतिष्ठा की इच्छा होती है, धन पहले ही इच्छा होती है, धन की इच्छा होती है, उसके साथ ही सांसारिक संबंधियों की इच्छा होती है, उसके बाद चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, संसार में प्रतिष्ठा की इच्छा हो जाती है।
ये तीनों तृष्णाएं मनुष्य का पीछा करती रहती है और चित्त में जो सुख की वासना है यही वासना जन्म और मरण का कारण बनती है। संसार में जो सच्चा व्यापारी है वो झूठ का व्यापार नहीं करेगा। सामान्य तौर से लोग यही समझते हैं कि जो व्यापारी होता है वो कमज़ोर दिल का होता है, ऐसा नहीं है। व्यापारी जो बहुत मजबूत दिल का होता है वही व्यापार कर सकता है, कमज़ोर दिल का आदमी व्यापार करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको डर रहता है कि कभी भी घाटा हो सकता है, कभी भी दिवालिया हो सकता है, इसलिए पूंजी लगाता है। युद्ध के क्षेत्र में हाथियों के मस्तक को तलवारों से काटने वाला बहादुर नहीं होता है, वो तो सामान्य सी बात है, कोई भी किसी को मार सकता है। जानते हैं सबसे बड़ा वीर कौन होता है? बुद्ध ने कहा है कि मैंने प्राणों की बाजी लगाकर समाधि में प्रवेश किया। समाधि में क्या होता है? संसार से कोई संबंध नहीं होता है, श्वास की गति कम हो जाती है, चित्त केवल परमात्मा में लग जाता है। एक वीर जब युद्ध के मैदान में जाता है तो वो दूसरों को मारना ही जानता है, वो सोचता है कि सामने वाला भी तो हो सकता है मुझे मार सकता है। युद्ध के मैदान में जाने वाला पहले ही सोच लेता है कि अब तो हमारे सिर पर कफन ही है, अर्थात कोई निश्चित नहीं है कि मैं घर जा पाऊंगा। उसी तरह ज्ञान के क्षेत्र में जो प्रवेश करता है, जो अखंड धन का व्यापार करता है, वो मैंने पहले ही आपको कहा श्रद्धा और समर्पण की पूंजी लगाता है, अपना पुरुषार्थ करता है, सच्चिदानंद परमात्मा को पाने के लिए वो साधना में लगता है। इसी तरह से आप देखिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो व्यक्ति परिश्रम करता है कि हमें धन कमाना है, कोई ज्ञानार्जन कमाता है, वो अपने अपने क्षेत्र में किया हुआ पुरुषार्थ है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? सच्चिदानंद परमात्मा को पाना। यदि आप परमात्मा को पाने के मार्ग पर निकल चले हैं तो एक बात को याद रखिए कि आपको विवेक दृष्टि रखना होगा कि हमें भक्ति किसकी करनी है। आप गाँव में देखिए यदि कोई सती स्त्री होती है, सती किसको कहते हैं? पुराने ज़माने में नहीं, अंग्रेजों के ज़माने में एक गलत परंपरा चल गई थी कि जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस स्त्री को जबरदस्ती आग में चला दिया जाता था। ये तो मुग़ल काल में विवस्ता बस सती की परंपरा चली गई। जब मुग़लों से हिंदू राजा हारते थे तो सोचते थे कि हमारी पत्नियों को मुसलमान जबरदस्ती अपना लेंगे, तो उनकी पत्नियां अपनी इच्छा से जलती हुई चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग देती थी। चित्तौड़ में जब अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ था रत्न सिंह का, तो 13,000 छत्रानियों ने जलती हुई चिता में प्रवेश कर लिया। उस समय तो व्यवस्था थी, धर्म की रक्षा की बात थी, लेकिन ये धीरे धीरे कुप्रथा में बदल गई। 60 साल का वृद्ध 14 साल की लड़की से शादी करता था और वो मर जाता था तो 17-18 साल की युवती को जबरदस्ती उसकी चिता में जला दिया जाता था। तो इसको सती कहते हैं। सती वास्तव में वो नहीं होती है। अनसुईया को सती कहते हैं, सावित्री को सती कहते हैं, सीता को सती कहते हैं, द्रौपदी को सती कहते हैं, लक्ष्मी को सती कहते हैं, पार्वती को सती कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? पतिव्रता साधन। रावण कहता है सीता से कि सीता यदि तुमने 1 महीने के अंदर मुझे पति के रूप में स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारे शरीर को भोजनालय में मांस बनाकर मैं खिलवा दूंगा राक्षसों को। सीता कहती है कि रावण कुछ भी हो जाए, राम के अतिरिक्त कोई मेरा पति नहीं हो सकता, संसार के सभी पुरुष या तो मेरे भाई होंगे या पुत्र होंगे, पति नहीं हो सकते। तो क्या सीता ने जलती हुई चिता में अपने को प्राण त्यागा? सावित्री का मैंने प्रसंग बताया था, अनसुईया का प्रसंग बताया था कि अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु शिव को भी अपना बालक बना लिया था। उसी तरह से यह गांव की काफ़ी बहनें बैठी हैं, आप सोचिए गांव में पतिव्रता का कितना सम्मान होता है, और जो अपने प्रीतम को छोड़कर भटक जाए उसको क्या कहते हैं? कोई चेहरा भी देखना नहीं चाहता। वैसे ही है, एक परमात्मा की जो आराधना करता है, गीता में श्री कृष्ण ने कहा जो अनन्य भाव से केवल मेरा ही चिंतन करता है, अनन्यश्चिंत्यो माम ये जना परिपास्ते,
जो संसार में सबको छोड़कर केवल एक सच्चिदानंद परमात्मा की आराधना करता है, उसको योग क्षेम मैं स्वयं बहन करता हूँ, उसको कोई किसी भी तरह का कष्ट नहीं आने देता हूँ। माताओं बहनों को ये बहुत डर लगता है कि यदि हम घर के देवता की भक्ति छोड़ देंगे तो देवता नाराज होकर हमारा नाश कर देंगे। मैं समझता हूँ 80% डर के मारे काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे गाँव में भय क्या होता है, भूमिया देवता की पूजा नहीं करेंगे तो हमारे पशु मर जाएंगे या हमारी वर्षा नहीं होगी। अरे भाई, जब ये धरती ही नहीं थी तब भी वो परमात्मा तो था। जब इस दुनिया में गोगा जाहिर वीर नहीं पैदा हुए थे, भूमिया देवता नहीं पैदा हुआ था, ये भारत ही नहीं था, ये लंका नहीं थी, अयोध्या नहीं थी, वृंदावन नहीं था, कैलाश नहीं था, कोई नहीं था, उस समय भी तो एक परमात्मा था जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है। इसलिए वह परमात्मा जो क्षर अक्षर से परे है, जो माता के गर्भ में नहीं आता, कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं, कभी बूढ़ा नहीं होता, जो अनादि है, अनंत है, सच्चिदानंद है, अक्षरातीत है, उसी सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति कीजिए और उसकी खोज कीजिए कि हम उसको कैसे जाने। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि कुल देवी की पूजा नहीं करेंगे तो हमारे घर में नाश हो जाएगा। आप सोचिए, हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है पूरी दुनिया में? 1 अरब 10 करोड़ हिंदुओं की जनसंख्या है। पूरी दुनिया में 8 अरब लोग रहते हैं, तो लगभग 7 अरब लोग तो हिंदू है ही नहीं। वे भूमि देवता की पूजा नहीं करते, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते, वो अपने अपने तरीके से मनाते हैं। और हिंदुओं में भी कितने करोड़ों लोग हैं जो कि आपके भूमिया देवता की पूजा नहीं करते, काली माता की पूजा नहीं करते, फिर भी उनका कुछ तो नाश नहीं होता। कहने का आशय क्या है? उस एक परमात्मा की आराधना कीजिए जो सबका प्रीतम है, सबका स्वामी है, उसी की सत्ता से अनंत ब्रह्मांड बनते हैं। इसलिए एक निष्ठा, जैसे पतिव्रता के चरण धोए जाते हैं, पतिव्रता के चरणों की पूजा की जाती है, लेकिन जो उसका उल्लंघन करता है संसार उसको धुतकार देता है। आप एक सच्चिदानंद परमात्मा की खोज करेंगे तारतम वाणी के द्वारा। प्राणनाथ किसको कहते हैं? जो हमारी आत्मा का प्रीतम है उसको प्राणनाथ कहते हैं, जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी है। प्राणनाथ कोई देवी देवता नहीं है, वही सच्चिदानंद परमात्मा जिसने अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न किया है, जिसकी सत्ता से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, लय होते हैं, उसको अक्षर कहते हैं। अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, जिसके लिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उत्तम पुरुष त्वन्य परमात्मा इति उदाहरिता। आपके घर घर में गीता है, गीता पढ़ते हैं, इस श्लोक को भी पढ़ते हैं कि उत्तम पुरुष त्वन्य परमात्मा इति उदाहरिता। इसलिए गीता में जो भगवान कृष्ण आज से 5000 वर्ष पहले कह गए हैं उनके वचनों पर चलिए, आप मेरे वचनों पर न चलिए। इसलिए जो गांव के जो भी भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अपनी अंतरात्मा से विचार करें, सत्य को खोजें। आप अखंड की तरफ चलेंगे, अखंड का ज्ञान करेंगे, अखंड की संपदा का व्यापार करेंगे तो यही आपका साथी होगा। माया का धन आपके साथ रहेगा। आप ज्ञान के धन की कमाई कीजिए, परमात्मा के भक्ति की कमाई कीजिए। ज्ञान और भक्ति ये दो अखंड संपदा है। और आपका प्रेमी कौन है? आपका प्रीतम। यदि आप सोचते हैं आपके यहाँ से हरिद्वार बहुत नज़दीक है, आप सोचते हैं कि चलो कुछ गुनाह भी हो जाएंगे, गंगा जी में डुबकी लगा लेंगे तो हमारे पाप सारे कट जाएंगे, कभी आपने सोचा है? ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे तो आपके अंदर विवेक होगा, भक्ति की गंगा में डुबकी लगाएंगे तो क्या होगा? तब आपको प्रीतम परमात्मा का दर्शन होगा, आप भवसागर से पार होंगे। यह जो गंगा है इसमें कह दिया जाता है कि देखो जो स्नान कर लेता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। पुराणों में तो ये लिख दिया है कि 100 योजन से 400 कोस से दूर से भी गंगा गंगा कह देता है। गंगा गंगेत यो बुरियात सत योजन है अभी। 100 योजन यानी 400 कोस। 400 कोस का मतलब 800 किलोमीटर से कोई दूर से गंगा गंगा कह दे तो पवित्र हो जाता है, ऐसा नहीं है। नारद जी ने एक बार देखा कि सारे संसार के लोग गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं,
नारद जी ने तो शास्त्रों में यही पढ़ा था कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये बात आपकी गीता में भी लिखी है। वे भागे गए गंगा के पास कि गंगा तुम्हारे में लोग स्नान कर रहे हैं, सारे पापों को धो रहे हैं, तुम इन पापों का क्या करोगे। गंगा कहते हैं कि मैं क्यों भोगूं, क्योंकि नियम है कि जिसने बुरा कर्म किया उसको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। गंगा कहती है कि इनके पाप को मैं क्यों भोगूं, मैं तो समुद्र में दे आती हूँ क्योंकि मैं गिरती समुद्र में हूँ। नारद जी समुद्र के पास जाते हैं, कहते हैं कि समुद्र तुम इन पापों का क्या करोगे। समुद्र कहता है कि मैं क्यों भोगूं, मेरा पानी बादल बन जाता है, वो पाप भी उसी में चले जाते हैं। नारद जी बादलों से पूछते हैं कि बादल बताओ तुम इन पापों का क्या करते हो। बादल कहते हैं जिसका पाप होता है उसके पास जाकर हम वर्षा कराते हैं। तो आप जो सोचते हैं कि हम पड़ोस में हमारे गंगा जी बह रही हैं डुबकी लगा लेंगे तो पाप तर जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हरिश्चंद्र को चंडाल के यहाँ नौकरी करनी पड़ती है। हरिश्चंद्र तो सत्यवादी थे, यदि गंगा में डुबकी लगाने से ही मुक्ति मिलती है तो बताइए, उसमें तो मछलियाँ रहती हैं, मेढक रहते हैं, घड़ियाल रहते हैं, उनको तो उसी योनि में मुक्ति हो जानी चाहिए। गंगा के किनारे रहने वाले सारे परमहंस हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा। तारतम वाणी का चिंतन कीजिए, धर्म ग्रंथों को पढ़िए, समझिए एक परमात्मा कौन है, हम कहाँ से आए हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के बाद जाना कहाँ है। साकार और निराकार से परे जो सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप है उसमें चिंतन कीजिए और उस परमात्मा से प्रेम कीजिए। वह परमात्मा कहीं दूर नहीं बैठा है, आपके हृदय मंदिर में बसता है। उसके लिए ईंटों को सजाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल पवित्र प्रेम की राह पर चलने हैं। केवल रात को सोते समय उस परमात्मा को अपने हृदय मंदिर में देखिए। सवेरे उठने के बाद आंखें बंद करके केवल उस थोड़ी देर तक अपने हृदय में उसका ध्यान कर लीजिए, फिर देखिए आपके पास माया कभी फटकेगी नहीं। सबसे सरल है परमात्मा को पाना, लेकिन यदि ज्ञान नहीं है तो शिव संकादि आदि के इच्छित शेष न पाए पार। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भटक जाते हैं। गोपियों ने प्रेम के बल पर प्रीतम को पाया था। आपके पास भी ये सुनहला अवसर है कि आप उस सच्चिदानंद परमात्मा को पा सकते हैं। अभी मेरा समय पूरा होता है, हमारे ज्ञानपीठ से कई विद्वान आए हैं, अब उनका भी कार्यक्रम होगा। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने रात्रि को कहा था और आज कह रहा हूँ कि माया के धन का व्यापार तो चलता रहता है, अखंड धन का व्यापार कीजिए। चिंतामणि जहाँ 1000 शिष्यों से घिरे हुए थे, प्राणनाथ जी की वाणी सुनकर भरी सभा के बीच में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि श्री जी, मैंने आपकी ज्ञान की लाठी से अपने अहंकार रूपी काले कुत्ते को मार डाला है। आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वही अज्ञान रूपी अंधकार है। तारतम वाणी के ज्ञान की लाठी से उस अहंकार को नष्ट कीजिए। अपने हृदय में अपने प्राणेश्वर को खोजिए जो हर पल आपके साथ रहता है, एक पल भी आपसे कभी अलग नहीं होता। उसके लिए प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए, अटूट विश्वास चाहिए। अपना हृदय उसको दीजिए तो लगेगा कि आपके प्राण की नली से भी निकट है, और ऐसे प्राण वल्लभ अक्षरातीत को पाकर आपका जीवन धन धन हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे वचनों को प्रसन्नतापूर्वक अंगीकार करें।